दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस एपिसोड में जो लोग नए यूट्यूबर है इनके लिए एक टेक्निकल एपिसोड होगा, कैसे आप लोग वीडियो को एडिटिंग करेंगे यूट्यूब के लिए। जब भी आप वीडियो शूट करते हैं उसके बाद उसको एडिटिंग करना होता है, जो पब्लिकों को जब वायरल करने के लिए उसको अच्छा से दिखाना होता है, तो वो एडिटिंग अच्छी तरीके से सिंपली सिखाऊंगा काइन मास्टर के द्वारा। काइन मास्टर एक ऐप है, उसमें आप लोग आसानी से कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, बहुत इजीली एकदम सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। लास्ट तक मेरे एपिसोड में बने रहिए, और अभी तक जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें। तो चलिए शुरू करते हैं काइन मास्टर से कैसे आप वीडियो को एडिट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप अपना मोबाइल में नेट ऑन करके प्ले स्टोर को ओपन करिए। प्ले स्टोर में जाके आप सर्च बटन में लिखिए काइन मास्टर वीडियो एडिटर मेकर करके, उसको ओपन करने से आपको जैसे दिख रहा है यहाँ स्क्रीन में, मैं मुझे ओपन करके लिख के आ रहा है। जिनका इंस्टॉल नहीं है उनका इंस्टॉल करके लिख के आएगा, तो सबसे पहले इंस्टॉल करना है उसके बाद ओपन करना है। जैसे कि मेरा ओपन करके लिख के आ रहा है तो मैं ओपन करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेंगे। उसके बाद देखिए ओपन हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्रिएट बटन में टच करना है। किस टाइप का वीडियो बनाना चाहते हैं हम लोग, जैसे कि फर्स्ट में देखिए 16:9 ये यूट्यूब के लिए वीडियो होता है ये पोर्ट्रेट में, और 9:16 जो है ये आपको शॉर्ट वीडियो बनाना होता है इसमें, या फेसबुक के लिए, उसके बाद 1:1 इंस्टाग्राम के लिए, ऐसा करके अलग अलग आपको रेशियो से फिगर दिया हुआ है। तो हमने यूट्यूब के लिए बनाना है तो 16:9, और जो वीडियो आप बनाओगे जिस रिगार्डिंग उसको थोड़ा सा नाम दे सकते हैं। जैसा मैं ट्रेनिंग करके दे रहा हूँ, फिर डन कर दिया, फिर क्रिएट बटन का दबाएंगे तो ये आपको पोर्ट्रेट में दिखाई देगा ऑटोमेटिकली, जो मोबाइल का जो आर में दिखाई देगा। अब सबसे पहले हमें चूज करना है कि इसमें जो फर्स्ट टाइमलाइन में हम किस टाइप का वीडियो, अगर वीडियो को बनाया होगा, वीडियो को एडिटिंग करना होगा, सीधा वीडियो को आप इसमें ला सकते हैं। जैसा अगर मेरा वीडियो बताएं तो कैमरा में जो वीडियो मैंने उठाया उसको डायरेक्ट मैं यहाँ ला सकता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने उसको टच किया या फर्स्ट टाइमलाइन में आ गया, अब सिलेक्ट हालत में है, देखिए इसको टच छोड़ देंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये जो वीडियो है ये हमारा एक पेट है लामर्डर, उसका प्रजाति का डॉग, इनका नाम है लियो, इनका नाम दिया लियो। तो अब इसको हम थोड़ा सा चला के आपको दिखाते हैं। देखिए बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, अगर हम बैकग्राउंड साउंड को ऑफ करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करिए, और ये जो साउंड का ऑप्शन आपको आ रहा है ये 100% में है, इसको जीरो कर दीजिए तो बैकग्राउंड साउंड बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलिए अभी फिर दिखाता हूँ, ये बैकग्राउंड साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा। तो हो सकता है हम इसको बैकग्राउंड में पूरा नहीं रखेंगे, क्योंकि इसको अगर दिखाना होगा तो बैकग्राउंड दूसरा दिखा के मैंने कुछ अमेंडमेंट करने के लिए और भी कुछ दिखाना होगा, इसलिए इसको मैं काट करता हूँ। थोड़ा सा शुरुआत करके ये सिलेक्ट करने के बाद उस टाइमलाइन को, फिर ट्रिम ऑब्लिक स्प्लिट जो ऑप्शन है उसमें जाइए, और स्प्लिट करने से वहाँ कट हो जाएगा, या आगे का राइट साइड को हम पूरा कट करना चाहते हैं तो ट्रिम राइट भी कर सकते हैं। अगर इसको हमें वापस लाना है, गलती से काट गया
तो लेफ्ट साइड में देखिए अंडो बटन है, वो एरो घुमा के उसमें टच करोगे तो वापस वो वहाँ आ जाएगा। तो चलो मेरे मुझे नहीं चाहिए, फिर मैं उसको कट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे इसी स्क्रीन पे मुझे बैकग्राउंड डालना है। बैकग्राउंड मतलब मान लीजिए कोई ऐसा बैकग्राउंड हम डालेंगे जिसको स्क्रीन भी है हमारा स्टूडियो बैकग्राउंड, जैसे हम कभी कभी स्टूडियो बैकग्राउंड को अलग से बना के रखते हैं। जैसे देखिए मैं एक डाला स्टूडियो बैकग्राउंड, तो इसका फोटो जो है इसको पैन एंड जूम करके उसको पूरा सिलेक्ट कीजिए, फिर इसको फोटो को थोड़ा एनलार्ज कर सकते हैं, पूरा स्क्रीन कवर हो जाए। ये देखिए मैं कवर कर दिया। फिर इसको ड्रैग करके उस बैकग्राउंड को लंबा जितना ले जाएंगे, कितना मिनट का वीडियो बनाना चाहते हैं उतना ड्रैग करके आप ले जाएंगे। अगर इसको ड्रैग करते टाइम दिक्कत हो रहा है तो इसको दोनों उंगली से इसको पकड़िए और इसको टाइमलाइन को शॉर्ट कर दीजिए, तो बहुत जल्दी आप एक एक मिनट दो दो मिनट का ड्रैग कर सकते हैं इसको। तो मान लीजिए हमें 10 मिनट का वीडियो बनाना है तो बैकग्राउंड को हम 10 मिनट तक फर्स्ट टाइमलाइन जो है इसको आगे तक बना दिया। उसके बाद बैक में गया, फिर बैक में गया, फिर उसी पोजीशन में मैंने ले आया। अब देखिए अभी मुझे जो बैकग्राउंड आया है यहाँ से मुझे अभी उस डॉगी का एक्टिविटीज़ को दिखाना है। तो सेकेंड लाइन लेयर को डालने के लिए हमने ये लेयर वाला जो ऑप्शन है इसमें टच किया और उसका जो ऊपर जो आपको फिल्म डालने के लिए जो ऑप्शन दिखा रहा है उसको टच करने के बाद फिर कैमरा में जाइए, फिर उसी जो वीडियो को मैंने एडिटिंग करना है उसको फिर टच किया तो दोबारा वही वीडियो आ गया। अब मैंने बताया था दोस्त इस वीडियो को जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको साइज दिखेगा, उस साइज को आप ड्रैग करके जो एरो का मार्क दिया हुआ है इसको टच करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं तो मेरा जो राइट साइड में स्क्रीन है उस स्क्रीन में मैं सेट करना चाहूँगा तो उसी हिसाब से छोटा करके इसको सेट कर दिया। अब देखिए इसका साउंड को मेरे को जीरो करना है, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद जो मिक्सर करके जो साउंड सिस्टम का फोटो दे रखा है उसको टच करेंगे और इसको 100% से 0% करेंगे तो कोई बैकग्राउंड साउंड इसका नहीं आएगा, तो मैं जो बोलूँगा वही साउंड आपको सुनाई दे रहा है। या आप म्यूजिक डाल सकते हैं, या अगर बैकग्राउंड साउंड रखना है तो उसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, उसको 100 से 200% भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए चला के दिखाता हूँ, अभी चल रहा है। अभी मान लीजिए इसमें हमें कोई टेक्स्ट लिखना है तो ये लेयर वाला ऑप्शन में जाइए और जो टी करके आपको दिखाई दे रहा है इसको टच करिए और उसमें जो भी लिखना है, मान लीजिए मैं लिखता हूँ पेट डॉग नेम लियो, इसको ओके कर दिया। आप उसको जितना चाहे बड़ा छोटा हम कर सकते हैं, इसको साइज के हिसाब से आपको जितना बड़ा चाहिए बड़ा करो, छोटा चाहिए छोटा करो। उसको कलर को चेंज कर सकते हैं, जैसा अगर मान लीजिए मुझे लाल इंक से लिखना है तो लाल ऑप्शन दबा दिया, टिक कर दिया तो लाल हो जाएगा। उसके बाद उसको अगर आउटलाइन भी देना चाहते हैं तो आउटलाइन को टच करके इसको ऑन करके आउटलाइन कौन सा कलर देना चाहते हैं जो आपको देखने में अच्छा लगे वो लिख दीजिए। अब देखिए इसको सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करके इसको भी बढ़ा सकते हैं, इसको एनिमेशन दे सकते हैं। मान लीजिए ये जब आएंगे तो हमें एनिमेशन के साथ आए, तो स्लाइड लेफ्ट करके दे देता हूँ तो लेफ्ट साइड से ये आएगा आपको दिखाई देगा। इसका टाइम को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, मान लीजिए एनिमेशन को मैंने 2.5 में डाल दिया, फिर इसको आउट एनिमेशन को भी आप दे सकते हैं, स्लाइड राइट कर दिया उसको भी टाइमलाइन को बढ़ा दिया।
अभी इन आउट एनिमेशन हो गया, आप देखिए जैसे आएंगे वो राइटिंग तो कैसे आएंगे, देखिए लेफ्ट साइड से आ रहा है, उसके बाद जाते टाइम ऐसा ही स्लो मोशन में राइट साइड में चला जाएगा। आप मान लीजिए आपका चैनल का लोगो आप लगाना चाहते हैं तो सेम लेयर ऑप्शन को दबाइए और फोटो वाला ऑप्शन में जाइए और जहां आपका लोगो बना के रखा है वहां से आपको लोगो को उठाना है। जैसे मेरा लोगो बना हुआ है तो लोगो को उठाया और फिर इसमें डाल दिया, देखिए ये लोगो आ गया, पर इसको साइज छोटा करके कोई भी एक कॉर्नर में हम सेट करते हैं, सभी यूट्यूबर ऐसा ही करते हैं। तो लोगो को सेट कर दिया और उसको ड्रैग करके आपको इस वीडियो का जो आखिरी तक आपको ड्रैग करके ले जाना होता है। आप ऐसा ही इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट्स भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। जैसे देखिए बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैं थोड़ा सा चला के दिखा रहा हूँ आपको, ये जो डॉगी आपको दिख रहा है इसका मान लीजिए इसका बैकग्राउंड को हम रिमूव करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले वहाँ सिलेक्ट करके उसको स्प्लिट कर दिया, क्योंकि इसका आगे वाला हिस्से में बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद आप राइट साइड को स्क्रॉल करके नीचे का तरफ जाइए, अब इसमें आपको मैजिक रिमूवर करके दिखाई देगा, उसको टच करते ही देखिए थोड़ा सा टाइम लेंगे ये रिमूव होने के लिए। अब देखिए लगभग टाइम पूरा हो गया, अभी ये कंप्लीट दिखा रहा है। अब इसका बैकग्राउंड देखिए रिमूव हो चुका है, अभी मैं आपको थोड़ा सा चला के दिखाऊंगा। अब देखिए इसका बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है और रिमूव होते टाइम कुछ जो प्रॉब्लम्स आता है तो क्लियर ढंग से ये रिमूव नहीं हुआ। पर बैकग्राउंड रिमूव करने का सबसे अच्छी तरीका है कि ग्रीन पर्दा के सामने आप अपना वीडियो शूट करिए, फिर जैसे मैंने देखिए जो ग्रीन पर्दा के सामने शूट किया हुआ है तो इसको सिलेक्ट करके इसको क्रॉप ऑप्शन में जाइए। क्रॉप ऑप्शन में जाके ग्रीन पर्दा का एरिया तक ही आपको लेना है, इसको छोटा करके पूरा ग्रीन ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए उतना में। फिर आप क्रॉप ऑप्शन को ओके कीजिए, फिर स्क्रीन में जैसा जहां आपको लगाना है उसी हिसाब से छोटा बड़ा कर लीजिए, फिर आगे नीचे स्क्रॉल करके ले जाएंगे तो क्रोम की दिखेगा, ये क्रोम की को टच करिए और इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद थोड़ा सा जो परसेंटेज है उसको आगे पीछे करने से आपको देखिए इसमें आपको जो क्रॉप का ऑप्शन है ये एकदम क्रॉप हो गया होगा, आप उसको ओके कीजिए, फिर आप इसको चला के देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप इसमें बैकग्राउंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आपको सुनने में आज एक नया एपिसोड के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। अभी मैं कट करके उसका साउंड को ऑफ करूंगा ताकि वो साउंड चलेगा तो मेरा साउंड आप लोग सुन नहीं पाओगे, तो पहले भी दिखाया था कि साउंड को ऑफ कर दिया। आप देखिए कैसे बैकग्राउंड काट हो गया, अभी सिर्फ आपको फोटो दिख रहा है। इसको एडजस्ट करने के लिए जैसे देखिए इसका थोड़ा सा ऊपर और उठाना होगा तो एग्जैक्ट टीवी के अंदर से जैसा कोई बोल रहा है ऐसा आपको दिखने को लगेगा, तो इस थोड़ा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। ये जितना आप करते जाओगे एडिटिंग प्रैक्टिस होते जाएगा, ये आपको सीखना होगा धीरे धीरे से, और जितना परफेक्शन आएगा हर एक वीडियो में उतना आपको व्यू ज़्यादा बढ़ेगा, लोगों को देखेंगे, वायरल होगा। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत कुछ जानकारी मिला होगा। इसके अलावा जैसा ही हम लोग कभी बोलते हैं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें, तो उस टाइम पे आप इसको ऑलरेडी क्लिप कुछ अपना लोगो ऐड करके रखिए उसमें, तो उसमें से हम उठा लिया देखिए, और इसको अपना साइज के हिसाब से जहाँ लगाना होगा उसको
ऐड करके उसको ड्रैग करके कितना देर तक उसको रखना चाहते हैं अपना टाइमलाइन पे, ये आप सिलेक्ट कर दीजिए। इसमें भी आप इन एनिमेशन आउट एनिमेशन लगा सकते हैं। अगर आप इसको ड्रॉप करके रखेंगे, इसको टाइम को बढ़ा के, तो ड्रॉप मेथड में आएंगे, देखिए जैसा शुरुआती कैसे ये गिरता है ऊपर से, ये देखिए ड्रॉप करके आ रहा है। फिर इसको चाहे तो आपको आउट एनिमेशन भी इसमें लगा सकते हैं। आउट एनिमेशन मान लीजिए राइट साइड से निकल जाएंगे, तो उसको भी टाइमलाइन को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तो ये राइट साइड से निकल जाएगा। और जितना देर को ये रखना चाहते हैं, देखिए अभी कैसे राइट साइड से निकल जाएगा, ये राइट साइड से ऐसे निकल जाएगा। तो दोस्त धीरे धीरे आप लोगों को परफेक्शन आते रहेगा। आज के एपिसोड और ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं एंड करता हूँ। कमेंट्स जरूर लिखिए जो भी जानकारी चाहिए। अब जब आपका एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको जैसे कि मेरा यहाँ तक ख़त्म हो गया, तो राइट साइड में जितने सारे लंबा है उसको काट दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, ताकि यहीं एंड करेंगे। तो ट्रिम करके जितना राइट में है उसको कट कर देंगे, राइट में कुछ नहीं रखेंगे। आप इसको जो राइट साइड कॉर्नर में एक एरो का तरह दिख रहा है, इसको टच करेंगे तो सेव ऑप्शन आएंगे। तो आपको किस रेजोल्यूशन में सेव करना है, फुल HD और इधर फ्रेम रेट 60 इसमें रख दीजिए। हम लोग अमूमन ऐसा ही करते हैं, और लो हाई को बीच में ही रखिए और सेव एज वीडियो इसको टच करिए। तो ये टाइम लेंगे, धीरे धीरे सेव हो जाएगा, उसके बाद आपको अपलोड करना होता है दोस्त। तो लास्ट तक इस एपिसोड को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।